आई थी। हाय आंटी, इट्स बीन सो लॉन्ग, सो क्यूट। हाय अंकल, हाउ आर यू? कैसी? फाइन अंकल, थैंक यू। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारे पिताजी की नजर उस पर पड़ी, तभी ये सब तुम्हारी माँ ने देख लिया, तब से तुम्हारी माँ ने सोच लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उसी दौरान एक रात को तुम्हारे पिताजी ने मौका देकर सुजाता के घर पहुंचने का फैसला किया। तुम्हारे पिताजी घर से बाहर गए हैं ये कंफर्म करके तुम्हारी माँ ने उस MBBS लड़की को सुजाता की मदद से बाहर भेजने का फैसला किया। आज के बाद यहाँ नहीं आ सकते तुम। क्यों? क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। सब कुछ पता चल गया तो मेरे पैसे कब दोगी, जरा बताओ। पैसे वापस दे दूंगी, लेकिन जो कुछ भी तुमने मुझसे लिया है वो वापस दे पाओगे? उसकी कोई वैल्यू दे पाओगे? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। जाओ यहाँ से, गेट आउट। मुझे मारेगा तू? सिर्फ मारूंगा नहीं, मार कर दफना दूंगा तुझे। भाई, वो सुधाकर नायडू आपकी गेस्ट को गांव से बाहर ले जा रहा है। क्या? हाँ भाई, तुझे बहुत नहीं दूंगा, चलो रे। तुम्हारे पिताजी जब निकले तब ये सब मैंने हिडन प्लेस से शूट कर लिया था, और मैं फॉलो करते करते तुम्हारे पिताजी के पास पहुंची। चल। अरे तुम लोग उधर जाकर देखो, जल्दी। हेलो विग्नेश, मैं अमीक्षा। बोलो अमीक्षा। तुम्हारे पिताजी और उनके आदमी मेरे पीछे लगे हैं। आई एम वेरी स्कैर्ड, प्लीज तुम कहाँ पर हो? तुम कहाँ पे हो? मैं कहाँ पर हूँ मुझे नहीं पता, मेरे बगल में अंकल है, उनसे बात करो। okay. बात कीजिए। अरे विग्नेश। अंकल, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ। बोलिए अंकल। तुम्हारे पिताजी जब तक इस लड़की के साथ कुछ करेंगे नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरह इस लड़की को बचाना होगा। ठीक है अंकल। तुम कहाँ पर हो? मैं पोल्ट्री फार्म के पास हूँ अंकल, आप कहाँ पर हो? मैं ग्राम पंचायत के रोड पे हूँ। आप जल्दी से अमीक्षा को लेके यहीं पे आ जाइए अंकल। ओके, ये लो। शिट। यहाँ आकर छिपोगे तो क्या मुझसे तुम लोग बच पाओगे? नहीं।
माँ। मेरे आने तक आप लोग रुके क्यों नहीं? अगर समय पे इनका क्रियाकर्म नहीं होता तो कभी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, इसीलिए हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दो बेटा। ये सब कैसे हुआ माँ? बहुत दिनों बाद तुम्हारे पिताजी खेत देखने के लिए गए थे। शाम में अंधेरा होने के बाद वापस आते समय रोड पर एक वायर पड़ा था। बारिश होने वाली थी इसीलिए वो उसे साइड में रखने जा रहे थे। अगर वो वायर पानी में भीग जाता तो उसमें करंट आ जाता और किसी की भी जान को खतरा होता। वो उसे साइड में रखना चाहते थे और जैसे ही उन्होंने वायर को उठाया शॉक से उनकी डेथ हो गई। वही दम तोड़ दिया। आप रोइए नहीं। सॉरी यार, तेरे यहाँ आने से पहले ही सब हो गया। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए दीदी, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। तू लंदन से जब तक यहाँ आता तब तक बहुत देर हो जाती, इसीलिए सारा कार्यक्रम मैंने कर दिया। सॉरी यार। जाने दे यार। अच्छा वो स्पॉट कहाँ पे है? वही वो रामपुर रोड के बगल में। तू मुझे यहां लेके क्यों आया यार? रुक मैं बताता हूं। क्या हुआ यार, क्या ढूंढ रहा है वहां? वेट करना यार। तू आखिर कर क्या रहा है ये तो बता। तूने जो स्पॉट बताया वो यही है ना? इस गांव में इसे सिर्फ मेरे पापा ही पीते थे और इस ब्रांड के सिगरेट भी वही पीते थे। क्या तुझे सच में लगता है कि उनकी मौत शॉक लगने से हुई थी? हाँ, इसमें क्या शक है तुझे? मेरे पापा शॉक लगने से नहीं मरे, उन्हें जबरदस्ती शॉक दिया गया है। तू ये क्या बोल रहा है यार? मैं सच कह रहा हूँ। पूरे गांव में तेरे पिताजी की बहुत इज्जत थी, फिर उन्हें इस गांव में कौन मार सकता है? वैसे तू किस आधार पे ये सब बातें कर रहा है बताएगा मुझे? कोई सबूत है क्या तेरे पास? ये है सबूत। दुनिया में ऐसी वॉच सिर्फ 10 है। मैंने इसे लंदन से खरीद के उनके बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट दिया था। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यह हार्ट बीट के साथ चलती है। जैसे ही दिल की धड़कन रुकती है यह वॉच भी रुक जाती है। यह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके हिसाब से उनकी मौत रात 10:30 बजे हुई थी, लेकिन मेरे पापा 9:30 के करीब मरे थे और यह उनकी मौत का सबूत। यह वॉच हार्ट बीट के हिसाब से चलती थी यह किसी को नहीं पता है, इसलिए इसके बारे में कोई जानता नहीं था और इसे यहां फेंक दिया। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है। गांव में किसी को नहीं पता था कि मेरे पापा के लेफ्ट लेग में 6 फिंगर थी। जब भी कभी मेरे पापा चलते थे या फिर दौड़ते थे तो उनकी छठी उंगली का प्रिंट जमीन पे नहीं पड़ता था, उनकी छठी उंगली चिपक के ऊपर ही रह जाती थी। लेकिन यहां पे निशान है। जब मेरे पापा को शॉक लगा, मतलब जब वो दलदल से बाहर आ रहे थे,
और ये निशान भी यहां साफ दिखाई दे रहा है, मतलब किसी ने जानबूझकर बनाया है। इसका मतलब उनको प्लान करके मारा गया है। और तीसरा पॉइंट ये है कि मेरे पापा की छठी उंगली के निशान जानबूझकर यहां लगाए गए हैं, तो इसका मतलब ये मर्डर यहां नहीं हुआ है, मेरे पापा को कहीं और मारा गया था। ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। चल चलते हैं। चाचा जी रिलेटिव हैं, पापा के बचपन के दोस्त आरपी अंकल, खेत के बगल वाला गणेश पापा का दुश्मन, अंकल। हाय विघ्नेश, कैसे हैं आप? अच्छा हूं बेटा। आरपी में इनकम ज्यादा अच्छी है ना? ज्यादा नहीं है, पर चला रहा हूं। अगर इनकम इतनी अच्छी नहीं है तो इतनी महंगी बाइक कैसे खरीदी? खरीदा नहीं है, खरीद कर दिया है तुम्हारे पापा ने ही। मुझे पता है। पता है? पता है तो पूछा क्यों? मेरे पापा ने मेरे लिए आज तक गाड़ी नहीं खरीदी और आपके लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीदी। इतना अच्छा रिलेशन कैसे मेरे पापा से? बचपन से हम दोनों एक साथ पले और बड़े हुए हैं। आरएमपी का अटैक पड़ता है तो पेशेंट के बुलाने पे तुरंत वहां जाना पड़ता है। मुझे वहां जाने में परेशानी होती थी, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मुझे ये बाइक दिला दी। बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर किया है आपने। प्रिपेयर का मतलब? मेरे पापा के अकाउंट्स में से लास्ट मंथ 4 लाख ट्रांसफर हुए। इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने आपको क्यों दिया? लास्ट मंथ मेरी बेटी की शादी थी और मेरे पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने उनसे पैसे मांगे थे और 15 दिन के बाद रंगनाथ के अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए थे। तुम्हें वो दिखा, ये नहीं दिखा क्या? इस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया। रंगनाथ ने दिया है, आपने नहीं दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। सो अभी मेरा डाउट क्लियर हो गया है। आपको परेशान करने के लिए आई एम सो सॉरी अंकल। बाय बाय। है वो दम टिक ना पाए,
आए जो कोई अब आग है, बस हम आके जो भी चाहे आजमा ले। आग है अब हम चाहे जो भी हमसे टकरा ले। सबसे अलग है सबसे जुदा हम अपने तेवर, ऐसे है हर दम हमसे लड़ ले। किसमें है वो दम टिक ना पाए, आए जो कोई अब। सर्द है अब इस दिल में बस एक ही मर्ज है, चल पड़े हम हाँ अब लेने बदला हर हालत में। रोके ना रुके बदला अब कोई रोक ना पाए। सबसे अलग है सबसे जुदा हम अपने तेवर, ऐसे है हर दम हमसे लड़ ले। किसमें है वो दम टिक ना पाए, आए जो कोई अब। कहेंगे अब हर हाल में बदला लेंगे। आ जरा हमें देख ले चल पड़े हैं राह में, मिल जरा ओ यार ये दर्द हो जाए कम थोड़ा सा। तो विघ्नेश बाबू है, आज मुझे इसके पिताजी की मौत के बारे में बताना होगा। बेटा चल रहा है, ये सिर्फ सीक्रेट कैमरा से काम नहीं चलेगा, वॉइस रिकॉर्डर भी लगाना पड़ेगा।
इतनी रात को भला कौन आया होगा? तुम बेवजह अपने पिता की मौत का कारण ढूंढ रहे हो। ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, नहीं तो बेवजह मुसीबत में फंस जाओगे। इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, ये मणि के अलावा किसी को नहीं पता है। मणि किसी को बताए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है। कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो मैं भी देखती हूँ। ये ले, एक पैक मार ले। अरे कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, तू ले ले। और हाँ, तू बहुत दुबला होता जा रहा है, कोई दूसरी लड़की मिल गई है क्या? हाँ यार। कौन है वो, मुझे नहीं बताएगा? अरे वही पड़ोस वाली आंटी। ओ, वो है क्या? हाँ। पूरे गाँव में अफवाह है कि उसे एड्स है। हे भगवान, एड्स है? आज मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। कैसा काम? किसी को बताना मत। अरे नहीं बताऊंगा। कल रात को मुझे जंगल में एक मुर्गी मिली। हाँ। थी, उसको बेचकर मैंने 3,000 रुपए कमाए। ये तो अच्छा काम किया। अरे राज, तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, कहाँ से आए? मैंने भी तुम्हारे जैसा एक अच्छा काम किया था। कैसा काम? किसी को बताना मत। किसी को नहीं बताऊंगा। कल शाम को अंधेरा होने के बाद एक गाँव में मुझे एक बकरी मिली थी, उसे बेचकर मैंने 6,000 रुपए कमाए। तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। अरे राजू, तुम्हारी बीवी तुम्हें बुला रही है। क्यों बुला रही है? वो कह रही है कि तुम्हारी मुर्गी घर नहीं आई है, उसे ढूंढने जाना है। अरे लक्ष्मण। हाँ बोलो। तुम्हारी बीवी बुला रही है। वो क्यों बुला रही है? अब तुम्हारी बकरी अब तक घर नहीं आई है, उसे ढूंढने जाना है। इसका मतलब तुमने जिस बकरी को बेचा है वो मेरी ही बकरी थी। इसका मतलब ये है कि तूने जिस मुर्गी को बेचा है वो मेरी ही मुर्गी थी। अबे तेरी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी मुर्गी बेच दी तूने। तू कितने भी माइक्रो ऑडियो डिवाइस लगा ले, तुझे कोई भी क्लू नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे पापा शौक लगने की वजह से ही मरे हैं। तू बेकार में अपना दिमाग खराब कर रहा है। तू चुपचाप शहर के बाहर जा और इन्वेस्टिगेशन और जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर ले। तू चाहे कितना भी जोर लगा ले, तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा और गांव वाले भी तुझे कुछ नहीं बताएंगे। तू अपना टाइम वेस्ट मत कर, मुश्किल में पड़ जाएगा। ए, ए, कौन हो तुम? ए, रुक जाओ, रुक जाओ।
और मुझे क्यों मारना चाहता है? मुझे पता लगाना होगा कि ये कौन है। इसके परिवार से कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। Something is going on. पता लगाऊंगा मैं। इसके पीछे कौन कौन है ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। इसके पीछे जो कोई भी है तुम उसे बाहर नहीं ला पाओगे और मैं लाने भी नहीं दूंगी। इतना लेट क्यों हो गया? तुझे पता नहीं मुझे शहर जाना है? कुछ नहीं यार, एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर रेप अटेम्प्ट का इल्जाम लगाया है। वो लड़का मना कर रहा है और लड़की भी नहीं मान रही है। दोनों ही अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो फिर तूने क्या किया? मैं सोच रहा हूँ कि इस केस को सॉल्व करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। मैंने उस लड़की से पूछा, जब रेप हुआ तो उस वक्त तुमने कौन से कपड़े पहने हुए थे? तो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों। तो मैंने कहा कि ड्रेस को फॉरेंसिक में भेजना है। अगर सच में लड़के ने रेप किया होगा तो उसके फिंगरप्रिंट्स उस ड्रेस पे जरूर होंगे, और अगर निशान मिले तो उसका चैप्टर क्लोज समझो। पता है, जैसे उसने मेरी ये बात सुनी ना, मेरे पैरों पे गिर के सॉरी बोलने लगी। उसके बाद मैंने उसे उठाया और 4 थप्पड़ लगाए और पुलिस के हवाले कर दिया। इसीलिए लेट हुआ यार। 1 मिनट यार। हाँ हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से कॉल आया था यार, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। ये रही तेरी बारी। हेलो माँ। हाँ बोल बेटा। पापा की जब मौत हुई थी तो जो उन्होंने शर्ट पहनी थी वो कहाँ है? सिद्धार्थ ने कहा था कि उनकी शर्ट को चिता में डाल दो। क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी घर आ जाना। ओके माँ। पापा की शर्ट का बटन है। गांव वाले कह रहे हैं कि उनकी मौत शॉक लगने से हुई है, बट मुझे डाउट हो रहा है।
इस केस को मैं बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ यही एक क्ल्यू मिला है अंकल। आप सिटी के सबसे फेमस पैथोलॉजिस्ट हैं। इस शर्ट के बटन पे मेरे पापा का ब्लड लगा है और उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अगर ये कोई दूसरा ब्लड ग्रुप हुआ तो उसकी डिटेल्स मुझे दीजिएगा। देखो विघ्नेश, तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इस मामले में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अब ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूं। हाँ बोलिए अंकल। वो ब्लड ग्रुप तुम्हारे पिताजी का नहीं है, ये किसी और का ही ब्लड ग्रुप है। लाखों लोगों में से किसी एक का होता है। इसे हम आर एच ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। अगर किसी लेडीज में ये ब्लड ग्रुप हो तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। और इस तरह का ब्लड ग्रुप तुम्हारे पापा के शर्ट के बटन में मिला है वो किसका है ये हमें मालूम होना चाहिए। और ये ब्लड ग्रुप किसका है उसे हमें ढूंढना होगा। इतने लोगों के बीच इस ब्लड ग्रुप का कौन हो सकता है मालूम करना थोड़ा मुश्किल है। बट डोंट वरी विघ्नेश, आई एम देयर फॉर यू एनीवे, बट होप फॉर द बेस्ट। ओके अंकल, लेट मी ट्राई। सरकार की तरफ से ये सूचित किया जाता है कि हमारे गांव वालों के लिए म्यूनिसिपल वालों की सूचना है कि हमारे गांव में कोई भी हादसा ना हो, आगे पीछे सभी लोग सावधान रहें। इसलिए खून का परीक्षण करने के लिए म्यूनिसिपल वाले अनाउंस कर रहे हैं। इसलिए गांव का हर एक व्यक्ति अपने खून की जांच करवाएं और इसमें सरकार का सहयोग करें। एक डॉक्टर होने के नाते ये सीसी ब्लड सैंपल आपको दे रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जरूर अंकल। मेरे पापा इस गांव के प्रेसिडेंट थे और उनके जाने के बाद अब सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो है। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये मैं देख लूंगा, मुझ पर विश्वास करिए। आपकी इस हेल्प के लिए थैंक यू सो मच अंकल। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ विघ्नेश बोलो। पूरे गांव वालों का ब्लड सैंपल ले लिया है मैंने अंकल, बताइए कहाँ हूँ मैं। एक काम करो, डायरेक्ट लैब में भेज दो। ओके अंकल, मैं भिजवा दूंगा। ओके। हेलो। तुम्हारे पॉइंट के हिसाब से बोलूं तो एक गुड न्यूज है। क्या है अंकल? वो आरएच ब्लड ग्रुप वाले इंसान का पता चल गया है। कौन है वो? पांडु सुजाता नाम की एक लड़की है। थैंक यू अंकल। हे, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? तुम मेरे पापा को कैसे जानती हो? वो बोलो बोलो। मेरे पापा की जब मौत हुई तो उनके शर्ट के बटन पे तुम्हारा ही खून लगा था। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। चल जल्दी से बता दे, बताओ। बताती हूँ, तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अब असल में उस दिन क्या हुआ था पता है? मेरे पति शराब पीकर घर आए और कहने लगे कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, चली जाओ यहाँ से, अगर नहीं गई तो जान से मार दूंगा। मेरे सर पर वार किया, मैं बहुत डर गई थी और चीखते हुए घर से बाहर निकल गई। तभी बाहर मुझे भागते हुए तुम्हारे पिताजी नजर आए और भागते हुए मैंने उनकी शर्ट पकड़ ली। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मुझे बचा लीजिए, शायद हो सकता है कि उस वक्त मेरे हाथ पर लगा खून उनके शर्ट के बटन पे लग गया हो। बस इतना ही ना, बस इतना ही ना, इतना ही, इतना ही। लेकिन तुम्हारे पिताजी जब मेरे पति को मार रहे थे तब तुम्हारे पिताजी के आदमी उन्होंने आकर बताया कि रूपा दीदी आपकी उधारी की वजह से गांव छोड़कर जा रही है। उसके बाद तुम्हारे पिताजी चले गए
बस इतना ही, और कुछ नहीं हुआ था। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। पापा को क्यों मारा? तुम्हारे पिताजी को क्यों मारूंगा? मैं पागल हूँ क्या? सच बता दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। तूने मेरे पापा से 5 लाख रुपए लिए थे ना? हाँ लिया था। उन्होंने तुझसे पैसे वापस मांगे थे या नहीं? हाँ मांगे थे। इसीलिए तू गांव छोड़ के भागना चाह रहा था। तुम्हारे पिताजी को किसी ने गलत जानकारी दी और वो मुझे मारने आ गए, इसलिए जान बचाने के लिए भाग गया मैं। अब बताओ मैं ऐसा क्या करता? बताओ, 5 लाख रुपए के लिए जान से मार देते क्या? इसलिए मैंने मारपीट की, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था, समझे? मेरे पापा ने तुझे 5 लाख रुपए दिए थे, इसलिए तुम दोनों में झगड़ा भी हुआ था और उसी दिन मेरे पापा की मौत हो गई। ये बता, तूने मेरे पापा को पैसों के लिए मारा है ना? सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। बताओ, नहीं तो मार डालूंगा। हाँ मार डालो, मेरे मरने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। मैंने नहीं मारा। तुम लोगों का झगड़ा कहां हुआ था? कोयला फार्म में। कितने बजे? रात को करीब 9 बजे। अगर तू सच बोल रहा है तो वहां सीसीटीवी फुटेज होगा। मैं जा रहा हूं चेक करने, तब तक तू ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। विघ्नेश सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कोयला फार्म की तरफ जा रहा है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मैनेज कर लेना। ए, रुक जा, रुक जा। कहाँ भाग रहे हो? सर, आप भागते हुए आ रहे थे, आपको देखकर मैं डर गया था। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सीसीटीवी फुटेज कहाँ से आएगा सर? सीसीटीवी कैमरा ही नहीं सर। मैं इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हूँ, समझ में आया तुझे? मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए यहाँ की। वो मुझे दे, नहीं तो मैं पुलिस को लेके आऊंगा। सर 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 सर, नहीं सर, बताता हूँ सर। बिल्डअप के लिए नकली कैमरा रखा था सर, इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आए थे तो मैंने निकाल कर फेंक दिया सर। कहाँ फेंका था? सर मुझे नहीं पता सर। बता कहाँ फेंका था, बता जल्दी। नहीं पता सर। सर सर, वो कैमरा कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। बता कहाँ है? मैं सच कर रहा हूँ सर। कहाँ फेंका है? इसके पीछे है सर।
तू इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ, दूसरे चैनल वाले अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, जाऊं या ना जाऊं उसी बारे में सोच रहा हूं। उसके लिए इतना क्या सोचना कि पसीना बह रहा है, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, ठीक है ना? माँ अब क्या हुआ बेटा? मैंने 10th हॉली क्रॉस स्कूल से कंप्लीट की, इंटरमीडिएट साइंस से, इंजीनियरिंग CBIT से एंड मास कम्युनिकेशन इन लंदन। ये सच है ना माँ? हाँ, पर ये सब क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, मेरा इंटरव्यू है ना, सो जस्ट क्रॉस क्वेश्चन करके चेक कर रहा हूँ। तू टेंशन मत ले, ठीक है ना? मैंने मर्डर किया है इसलिए मैं इन्वेस्टिगेशन ना करूं, ऐसा किसी ने फेक वीडियो तो नहीं क्रिएट किया है? उस समय मेरे हाथ में मोबाइल क्यों था? मैसेज है, श्रावणी। ये श्रावणी कौन है? अगर ये नंबर पता चल जाए तो मुझे सब कुछ पता चल सकता है। श्रावणी, 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 ये क्या, श्रावणी के नाम से तो मेरे मोबाइल में कोई नंबर ही नहीं है। मणि को कॉल करता हूं। हे मणि। हाँ बोलना। हमारे सर्कल में श्रावणी नाम की हमारी कोई दोस्त है क्या? इस नाम का तो हमारे सर्कल में कोई फ्रेंड नहीं है यार, क्यों, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं यार, बस ऐसे कैजुअली पूछ रहा हूँ। बाय बाय। बाय बाय बाय। हेलो। हेलो, ये नंबर श्रावणी का है क्या? अरे कितने लोग श्रावणी श्रावणी के लिए फोन करेंगे, हाँ? दो दिन पहले मैंने नंबर लिया है, आगे से मुझे कॉल मत करना। ओ सॉरी सर। ठीक है रखो। व्हाट इज हैपनिंग, आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर मेरे फोन में श्रावणी का नंबर क्यों नहीं सेव है? और ये पर्सन कौन है मुझे क्यों नहीं पता है? और इसके बारे में मणि भी नहीं जानता है, और सिर्फ यही एक फोन नंबर मेरे फोन से क्यों गायब है? लेट्स सी, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? इस समय सूर्या ही मेरी हेल्प कर सकता है। यस, हाय सूर्य। क्या बात है दोस्त, बहुत दिन के बाद कॉल किया। सॉरी यार, कुछ इंपॉर्टेंट काम में था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है बताना यार। ऐसा कुछ खास नहीं है, एक लड़की का नंबर भेज रहा हूँ, उसकी डिटेल्स मुझे चाहिए यार, शायद एक साल पहले वो ये नंबर यूज कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ, 10 मिनट के अंदर भेजता हूँ। ओके ओके भाई। चेक कर लेना भाई। हाय। हाय। सॉरी यार, लास्ट वीक तुमसे मिल नहीं पाई, काम बहुत ज्यादा था। मैं तो काम कर करके थक गई। इस वीक जरूर मिलेंगे। ओके श्योर, पक्का यार, हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। घर पर रिलेटिव्स आए हुए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ठीक है। ओके चलो, ठीक है, बाय बाय। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हरीश बोल रहा हूँ। यू आर नॉट हरीश, यू आर विग्नेश। हाँ
शिट। हेलो हेलो श्रावणी। हाँ बोल। पड़ोस के गांव से आ रही थी, अचानक स्कूटी खराब हो गई यार। अच्छा, कहाँ पे खराब हो गई? मैं रामपुर गांव के रोड पर खड़ी हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैं लोकेशन शेयर करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। स्विच्ड ऑफ क्यों आ रहा है? सच कहूं तो तुम बहुत बड़ा गेम खेल रही हो। सच सच बता, नहीं तो जान से मार दूंगा। तुझे पता भी नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर तेरा वीडियो डालूंगा और सब इंटरटेन होंगे उससे। इसीलिए ये वीडियो शूट करना जरूरी है। तुझे पता है ये क्या है? इससे इंसान पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता है। तुझे पता रहेगा कि तेरे साथ क्या हो रहा है, पर तू कुछ कर नहीं पाएगी सिवाय कॉपरेट करने के। बता जल्दी फिर। बता, मेरे पापा की मौत का तुझसे क्या संबंध है और मुझे इन्वेस्टिगेट करने से मना क्यों कर रही थी? बता जल्दी। वो बोल। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं बता सकती। तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी तो रुको। बताती हूँ। बता जल्दी, कौन है तू? तू मेरी दुश्मन क्यों बनी? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी लवर हूँ। तुम जिससे प्यार करते थे वो श्रावणी हूँ। तुम एक इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट थे, मैं फील्ड रिपोर्टर थी। असल बात क्या है पता है तुम्हें? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। देख लिया ना, अब चले यहाँ से। अभी कितनी बार भी देखो वही फेस है, और आधी रात को पेड़ के नीचे नहीं रुकते हैं। क्यों? क्यों मतलब? रात में पेड़ CO2 रिलीज करते हैं और वो हमारे लिए सही नहीं होता है। यहाँ रहोगे ना तो मर जाओगे। ऐसा हमें कुछ नहीं होगा। क्यों, हम दूसरी दुनिया से आए हैं क्या? नहीं नहीं, इस पेड़ से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, ये पेड़ ना रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे सब पहले से फिक्स कर लिया हो। सिर्फ मैंने ही फिक्स नहीं किया है, तुमने भी फिक्स कर लिया है। प्लीज मेरे करीब मत आओ। क्यों? मेरे हार्मोन्स बहुत वीक है। पता है? हाँ पता है, पता है, फिर भी तुम मेरे करीब आ रहे हो। फॉर केमिस्ट्री, हम दोनों करीब आएंगे तो हार्मोन्स बाहर ही आएंगे ना, और जब हार्मोन्स बाहर आएंगे तो हम दोनों करीब आएंगे। हेलो, तुम्हें पता है मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, इसलिए कंप्यूटर लिया है। क्या हुआ? भगवान ने एक चीज तुम्हारे अंदर कम दी है लेकिन मुझ में ज्यादा दे दी। वो क्या? केमिस्ट्री के लिए। मुझे कोई केमिस्ट्री नहीं चाहिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं वैसा ही हूँ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पापा सुनिए तो सही, मुझे आपसे बात करनी है।
बहुत टेंशन में हूं मैं। टेंशन किस लिए रे? कैरी ऑन। वाह, पापा आप इतनी जल्दी मान जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे मानने से क्या होता है, अपनी माँ से पूछो। मैं ऑलरेडी मान गई हूँ। हाँ? ये ले तेरी कॉफी। माँ और बेटा प्री प्लान कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है पापा, अगर आप मान गए तो ठीक है। उस लड़की को घर लेकर आओ, हम दोनों उससे बात कर लेंगे। घर पे क्या लेके आना पापा, वो आ ही रही होगी। हाँ? रास्ते में होगी। ये लीजिए, आ गई। जाओ। माँ, श्रावणी। अरे खुश रहो बेटी, एकदम गुड़िया की जैसी है। अच्छा बैठो ना, मैं बस अभी आई। नो, मैं अभी बताता हूँ, नोट कर। नमस्ते अंकल। गॉड ब्लेस यू। नहीं आंटी, हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ यार। हाँ, लेट हो रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। थैंक्स आंटी। पापा मैं इसे छोड़ के आता हूँ। तुम्हारे पापा ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, तब से मैंने उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तब कहीं जाके मुझे पता चला कि वो एक वुमेनाइजर है। पसंद आ जाए और जब तक उसका सुख ना भोग ले, तब तक वो उसे नहीं छोड़ते हैं। वो सबको ब्याज पर पैसे देते हैं और पैसे ना चुकाने पर उस घर की इज्जत को अपना शिकार बनाते हैं। और ये भी ना हुआ तो उसके पति को मार भी देते हैं उसको हासिल करने के लिए। कोई शक करे या उनके रास्ते में आए तो उसे वो खत्म कर देते हैं। ए, मार डालो। पढ़ाई में पैसों की हेल्प के नाम पर कॉलेज की लड़की को भी नहीं छोड़ते। ऐसा कैरेक्टर है तुम्हारे पिता का। और एक दिन स्कूल में 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए तुम्हारे पिता को इनवाइट करने के लिए मधुमनी टीचर तुम्हारे घर पर गई और वहां उनकी नजर उन पर पड़ी। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए। मेरा नाम मधुमनी है, मैं इसी गांव के स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंट हुई हूँ। 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग आपके हाथों से करवाना चाहती हूँ, आपको कैसे भी आना होगा। मैं हर हाल में आऊंगा, आप कॉफी लेंगी? स्कूल का टाइम हो रहा है, दोबारा आऊंगी तब पीऊंगी। थैंक यू सर। वो इतनी आसानी से नहीं फंसेंगे उन्हें पता था, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए एक प्लान बनाया। मधुमनी। हाँ? आजकल स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। सुरेश, क्या बात है, ये फूल अभी तक फ्रेश है? फूल की खुशबू तो लेनी पड़ेगी यार। अरे सुनिए, क्या बक रहे हो? अरे जाने दीजिए, आप सुनिए। अरे तमीज नहीं बात कर रहे, टीचर से ऐसे बात कर रहे क्यों? यहाँ से चलिए ना।
कसूर है, उनको बचा लीजिए। शांत हो जाओ, घबराओ मत, बैठो। अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे पति को? मेरे पति की कोई गलती नहीं है। पहले उन लोगों ने मुझ पर कमेंट किया था, जब मेरे पति ने उनसे बात करनी चाहिए तो उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और अनजाने में उस लड़के की चोट लग गई। अरे फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। कौन सा पुलिस स्टेशन है? वो टाउन वाला। पक्का? हाँ। ठीक है। हेलो, एसआई जनार्दन बात कर रहे हो? हाँ, मैं प्रेसिडेंट मधुसूदन रेड्डी बोल रहा हूँ। अभी तुमने जिसे अरेस्ट किया है वो मेरे भाई जैसा है। एफआईआर वगैरह फाइल मत करना, पैसों के बारे में चिंता मत करो। हाँ, अभी भिजवाता हूँ। ठीक है, ओके, रुको मैं अभी आता हूँ। बस छोटी सी फॉर्मेलिटी है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, गांव में सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज मैं तुम्हारी जरूरत पर काम आया, कल शायद मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। तुम मेरी जरूरत पूरी कर देना, ठीक है ना? हाँ, जाओ। सर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल लिया। सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते? बोलिए सर, आपके लिए क्या करना है, बोलिए सर। एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ और तुम भी सही सुन रहे हो। एक रात के लिए तुम्हारी बीवी। सर, आपको क्या हो गया? सर, तुम्हारी बीवी पर मेरा दिल आ गया है। क्या बक रहा है बे? मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या हुआ आपको? सुनिए सुनिए, ये क्या हो गया आपको? क्या बात है, आप इस समय आए हैं? कोई बात है क्या? पैसे दिए बहुत दिन हो गए ना, वापस कब करोगी यही पूछने आया था। क्यों, नहीं आना चाहिए था? आपको इस समय नहीं आना चाहिए था। ओ, पैसे लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं ना। देखिए, मेरी समस्या आपको पता है, उनके चले जाने के बाद लाइफ को कैसे स्टार्ट करना है समझ नहीं आ रहा। बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अभी आपका कर्ज बिल्कुल नहीं चुका पाऊंगी। तो एक काम करो, जब कर्ज नहीं चुका पा रही हो तो तुम पर मेरा दिल आया है, मेरी प्यास बुझा दो। हाथ हटाओ। छी, मैंने सोचा था तुम गांव के इज्जतदार आदमी हो, अगर थोड़ी देर और यहां रुके तो मैं पूरे गांव को चिल्ला के इकट्ठा कर लूंगी। ठीक है, मैं जाता हूं। जो 5 लाख ब्याज पर लिए हैं वो 6 लाख हो गए हैं। अगर वो पैसे दे दोगी तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, नहीं तो। हाँ, नहीं तो? नहीं तो कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट जाऊंगा तो पता है ना क्या होगा, तुम्हें जेल भेज देंगे।
अगर तुम जेल गई तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? जेल के अंदर भी मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। तुमने अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो तेरे बच्चों का भी जीना हराम कर दूंगा। ये लो, सो जाओ। सोच के देख। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ मत करिए, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। इस तरह से तुम्हारे पापा ने टीचर को मजबूर करके अपनी ताकत के बल पर उनके साथ बहुत बदसलूकी की। जब ये सब चल रहा था तब उनके दोनों बच्चे छिपकर ये सारी बातें सुन रहे थे। अब बात ये थी कि अगर कलेक्टर को इस बारे में बताया गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। और फिर बच्चों ने हिम्मत करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखा। माननीय कलेक्टर साहब, बड़े आदर से हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं। सर, मेरा नाम विशाल है, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मेरी माँ का नाम मधुमणि है। हमारे गांव का सरपंच मधुसूदन रेड्डी हर रोज मेरी माँ के साथ हैरेसमेंट करता है और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी बीच हमारे पिताजी की मौत हो गई, हमारा कोई नहीं है सर। इस तरह बच्चे लेटर लिखकर कलेक्टर साहब के एड्रेस के लिए मास्टर जी के पास पहुँचे। तब मास्टर जी ने पूछा कि तुम्हें कलेक्टर साहब का एड्रेस क्यों चाहिए, और बच्चों ने सारी बातें उन्हें बता दी। और उस मास्टर जी ने फोन करके तुम्हारे पिता को सारी बातें बता दी। हेलो, बोलो। मल्ली, उन दोनों बच्चों को रास्ते से हटा दो, एक छोटा क्लू भी नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? भैया, मैंने ये लेटर कलेक्टर साहब के लिए लिखा है। आपके पिताजी ने उधार पैसे दिए थे, उसके लिए मेरी माँ पर तुम्हारे पिताजी अत्याचार करते हैं। हर रोज वो आकर मेरी माँ को धमकी देते हैं और हमें मारने की भी धमकी देते हैं। मुझे और मेरे भाई को वो मार देंगे, इस बात से माँ डरती है। तुम्हारे पिताजी के बारे में कैसे बताओ, ये सोच ही रही थी कि इस एक्सीडेंट की सच्चाई पता चली। और तब मैंने हिम्मत करके तुम्हारे पापा को फॉलो करके जो शूट किया था वो सब दिखाया। इस तरह से तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में पता चलने के बाद तुम्हें कैसे बदलो ये सोच रही थी। तब तुम MBBS की पढ़ाई कर रहे थे और तुम्हारे रिलेटिव तुम्हारे घर आए थे। हाय आंटी, इट्स बीन सो लॉन्ग, सो क्यूट। हाय अंकल, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल, थैंक यू। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारे पिताजी की नजर उस पर पड़ी, तभी ये सब तुम्हारी माँ ने देख लिया। तब से तुम्हारी माँ ने सोच लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी उसी दौरान एक रात को तुम्हारे पिताजी ने मौका देकर सुजाता के घर पहुंचने का फैसला किया। तुम्हारे पिताजी घर से बाहर गए हैं ये कंफर्म करके तुम्हारी माँ ने उस MBBS लड़की को सुजाता की मदद से बाहर भेजने का फैसला किया। hey. आज के बाद यहाँ नहीं आ सकते तुम। क्यों? क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया।
सब कुछ पता चल गया तो मेरे पैसे कब दोगी जरा बताओ? पैसे वापस दे दूंगी, लेकिन जो कुछ भी तुमने मुझसे लिया है वो वापस दे पाओगे? उसकी कोई वैल्यू दे पाओगे? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। जाओ यहाँ से, गेट आउट। मुझे मारेगा तू? सिर्फ मारूंगा नहीं, मार कर दफना दूंगा तुझे। भाई, वो सुधाकर नायडू आपकी गेस्ट को गांव से बाहर ले जा रहा है। क्या? हाँ भाई, तुझे बात नहीं दूंगा। चलो रे। तुम्हारे पिताजी जब निकले तब ये सब मैंने हिडन प्लेस से शूट कर लिया था, और मैं फॉलो करते करते तुम्हारे पिताजी के पास पहुंची। अरे तुम लोग उधर जाकर देखो जल्दी। हेलो विग्नेश, मैं अमिक्षा। बोलो अमिक्षा। तुम्हारे पिताजी और उनके आदमी मेरे पीछे लगे हैं। आई एम वेरी स्केर्ड, प्लीज तुम कहाँ पर हो? तुम कहाँ पे हो? मैं कहाँ पर हूँ मुझे नहीं पता। मेरे बगल में अंकल है, उनसे बात करो। okay. बात कीजिए। अरे विग्नेश अंकल, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ। बोलिए अंकल। तुम्हारे पिताजी जब तक इस लड़की के साथ कुछ करेंगे नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह इस लड़की को बचाना होगा। ठीक है अंकल। तुम कहाँ पर हो? मैं पोल्ट्री फार्म के पास हूँ अंकल। आप कहाँ पर हो? मैं ग्राम पंचायत के रोड पे हूँ। आप जल्दी से अमीक्षा को लेके यहीं पे आ जाइए अंकल। ओके, ये लो। शिट। यहाँ आकर छिपोगे तो क्या मुझसे तुम लोग बच पाओगे? नहीं। पागल हो गए हैं क्या पापा? आपको मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ए, तू अभी बच्चा है, ये सब समझ में नहीं आएगा, जा यहाँ से। हाँ मैं मानता हूँ कि बच्चा हूँ, लेकिन आपकी तरह जानवर नहीं हूँ। ज़्यादा चाबी चल गई है, कौन शैतान है रे? पापा, वो हमारे घर में मेहमान बनकर आई है, उसे तो छोड़ दीजिए। रिश्ते में आपकी बेटी लगती है वो। रिश्ते में बेटी लगती है? मेरी सगी बेटी तो नहीं है ना? एक बार मेरा दिल किसी पे आ गया तो मैं उसको हासिल करके रहता हूँ। पापा! ए, इसको संभालो तुम लोग। पापा, पापा रुक जाइए पापा। पापा प्लीज ऐसा मत करिए पापा, छोड़ दीजिए उसे। पापा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए पापा। रुक जा, कहाँ जाएगी बच के? किसी भी तरह तुझे हासिल करके रहूंगा। जब अरे इसके ऊपर मेरा दिल आ गया, तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा? दिल आ गया था इसमें? तो ये सब क्या है पापा? लोगों को आप ब्याज पे पैसे देते हैं, फिर उनकी कमजोरी का फायदा उठा के ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। वो चाहे 15 साल की बच्ची हो या फिर 50 साल की आंटी ही क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ा आपने। सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी आपने। आपने तो मेरी मधुमनी टीचर के साथ भी, उसको भी ये सब करने के लिए मजबूर किया आपने।
अर्जेंटली पंचायत स्ट्रीट आओ। क्या रे? क्यों तू बोलेगा तो मैं सब रोक दूंगा। ये मेरे बचपन का शौक है, मेरी मौत के बाद ही खत्म होगा। मैंने तुझे पैदा किया इसलिए अब तक छोड़ दिया। मेरे बारे में तुझे सब पता चल गया है, अब तू मेरा दुश्मन है। तुझे मार दूंगा तो गलत नहीं होगा और उसका सुख भी मिलेगा। मर जा, मर जा, मर जा कमीने, मर जा। पापा, 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 पापा। तुम्हें लगा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी वजह से पैनिक अटैक आया और तुम बेहोश हो गए। तुम्हारे फोन से तुम्हारा लोकेशन पता चला और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई। उठ जा विघ्नेश, विघ्नेश, उठ जा बेटे। डॉक्टर, तुम अपने पिताजी से इतना प्यार करते थे और तुम्हारी वजह से उनकी मौत हुई है, ये सदमा तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाए और मेंटल प्रेशर में आ गए। हेलो मणि, माँ का ख्याल रखना यार। इसके बाद तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले तुमने मणि को जो फोन करके कहा था कि माँ का ख्याल रखना, मणि ने लोकेशन शेयर किया और हमारे लिए हेल्प हुई। विघ्नेश, विघ्नेश, हे विघ्नेश, विघ्नेश उठ यार, विघ्नेश उठो यार, हे विघ्नेश, विघ्नेश, विघ्नेश उठ ना यार, हे विघ्नेश, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। विघ्नेश, विघ्नेश, उठ जा विघ्नेश, विघ्नेश। ये सब होते हुए मैं और तुम्हारी माँ देख नहीं पा रहे थे, इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या करें कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए? कितना भी खर्चा हो मुझे उसकी परवाह नहीं, वो मर जाए ये सोच उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बताइए डॉक्टर, असल में मरना क्यों चाहता है? आखिर ऐसा क्या हुआ मुझे बताइए, सब डिटेल में बताइए। रीजन जानने के बाद ही मैं सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। असल में क्या हुआ था पता है? वो अपने पापा को बहुत ज्यादा प्यार करता था, इज्जत करता था। पिताजी जो कहते थे वो उसके लिए पत्थर की लकीर था। बचपन से ही वो अपने पिता की हर बात माना करता था। और फिर तुम्हारे पिताजी जब तक इस लड़की के साथ कुछ करेंगे नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर कुछ भी करके उसे ठीक कर दीजिए। देखिए बहन जी, वो अपने पिताजी से इतना प्यार करता था और उसकी वजह से ही उसके पिता की मौत हुई है। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। इसे साइंस में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। एक्चुअली इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आज के समय में न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी द्वारा इसे सॉल्व किया जा सकता है। उसकी वजह से उसके पिता की मौत हुई है, उसके माइंड से ये कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं। इफ यू डोंट माइंड डॉक्टर, कैन वी नो हाउ इज दिस पॉसिबल? लाइक एक पर्टिकुलर मोमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं? देखो बेटी,
इंसान के शरीर में यहाँ 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कई लाखों न्यूरॉन्स से बनता है हमारा ब्रेन। और ऐसे ब्रेन में न्यूरॉन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। हर चीज दिमाग से जुड़ी हुई है, याददाश्त, होश आना और बेहोश होना। जब हम जागते हैं तो हमारा ब्रेन 10 से 20 वाट पावर में जेनरेट होता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन के अंदर जाती है। हमें तकलीफ देने वाला हर सेकेंड्स हमारे ब्रेन के सेल्स को, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को बदल देता है। और ऐसे में एक मेमोरी हमारे अंदर तैयार होती है। हम किसी हादसे या दुर्घटना को देखते हैं या हमारे द्वारा कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके सारे इंपैक्ट हमारे ब्रेन में जाते हैं, जैसे विजुअल सिग्नल्स, नहीं तो मेरोबल्स। दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से मिलते हुए सिनेप्टिक कनेक्शन के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब सब अपना काम करते हैं। ब्रिजेश द्वारा ट्रैवल करके न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल पास होता है। इस तरह के न्यूरॉन जब समूह में आते हैं तो इंसान की मेमोरी विकसित हो जाती है। इसमें से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ब्रिजेश द्वारा पास होते हुए उस मेमोरी को ब्रिजेश होने की वजह से विकसित होती है, और तब हादसे से संबंधित पर्टिकुलर जो मेमोरी है वो डिलीट होती है। और इसी वजह से आपके बेटे को ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसी वजह से आपके बेटे को नींद नहीं आ रही। अगर मैं कहूं तो इन्हीं घटनाओं की वजह से उसके दिमाग में ये बातें सिनेप्टिक कनेक्शन के द्वारा न्यूरॉन्स बनाती हैं। उन सबको न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी द्वारा माइक्रोग्लियल सेल्स भेजकर उस सिनेप्टिक कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करके उस मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। बट ये सब करने के लिए आपके बेटे को इस लीगली प्रोसेस के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अगर आपने उसको तैयार कर लिया तो इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे बेटे को बचाने के लिए एक उम्मीद दी है। मैं कैसे भी करके उसको मना के ही रहूंगी। मैं अभी आ ठीक है बहन जी, अब आप जाइए। मान जा, मैं नहीं मानूंगा। पापा को मारने की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? इन्हीं हाथों ने उन्हें मार दिया है माँ, ये बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे जान से मार दो, मुझे जान से मार दो। ठीक है बेटा, तू मर जा। अरे मर जा तू। इससे पहले एक काम कर, पहले तू मुझे मार दे और उसके बाद तू मर जा। तेरे पिताजी तो मर ही गए तेरे मरने के बाद, मैं जीकर क्या करूंगी बेटा? इसीलिए मार दे मुझे। विघ्नेश ठीक है मां, जैसी तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मान गया है। सुनकर अच्छा लगा। बहुत जल्दी आपने मना लिया। आई विल स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है सर। बट वन थिंग, इस लड़की की वजह से उसके फादर के बैड करेक्टर के बारे में पता चला है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई है, इसीलिए उसने पिता को मारा। और अब उसी ने अपने पिता को मारा है, ये बात उसके दिमाग से डिलीट करनी होगी। ऐसा करने से पिता की मौत हुई है यह बात छोड़कर लड़की ने उसके पिता के बारे में सब कुछ बताया है, अगर उसे यह याद आ गया तो दिक्कत होगी, तो फिर से उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जब से ये लड़की उससे मिली है तब से उसके दिमाग में सब कुछ सेव है, ये सब हमें डिलीट करना पड़ेगा। यही सलूशन है आपके लिए, ठीक है ना?
ठीक है डॉक्टर, वो जिंदा रहे और अच्छे से रहे यही हम सभी के लिए काफी होगा। ओके, आई विल स्टार्ट द प्रोसेस, यू मे गो नाउ। ओके सर, चलिए आंटी। नमस्ते डॉक्टर। ठीक है बहन जी। इस तरह से तुम्हारे दिमाग से बैड मेमोरी को डिलीट करने के लिए तुम मान गए। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और फिर से नए ढंग से तुम्हारी पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन विग्नेश से बहुत देर बात करने की कोशिश की सर, और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जब से वो श्रावणी से मिला है और उसके पिता की मौत तक उसे कुछ भी याद नहीं है। इस गांव की मनहूसियत को निकालकर विग्नेश ने फेंक दिया था। विग्नेश को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। जब तुम बेहोश थे उसी दरमियान तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में मर चुके थे। तुम्हारे पिताजी करंट से मरे ये हमें साबित करना होगा। हमारे पास बस यही रास्ता है, क्या बोलते हो? मेडिकल मिरेकल की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। जान से ज्यादा प्यार करने वाली अगर इसको नजर आएगी तो उसको सब कुछ याद आ जाएगा और वो जान जाएगा कि उसने खुद अपने पिता को मारा है, और तो फिर उसको स्ट्रोक लगेगा और वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। ये सब ना हो इसीलिए श्रावणी तुम्हें उसे भूलना होगा बेटी। मान जाओ बेटी, मेरे बेटे को वापस कर दो। इस तरह तुम्हें पाने के लिए मैं तुमसे दूर हो गई, तुमसे मिली हूँ, और तुम्हारे पापा की मौत तक तुम्हें कुछ भी याद ना आए इसलिए मैं हमेशा तुमसे बचती रही। हमारी ये कोशिश थी कि तुम हमेशा खुश रहो, और हम कुछ नहीं चाहते थे। पूरा गांव इस बात पर सहमत था, तुम्हें बचाने की हमारे पास एक ही उम्मीद थी। जब तुम्हें डाउट हुआ और तुमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए हमने ये सारी कोशिश की। हम तुम पर अटैक करेंगे तो तुम इन्वेस्टिगेशन रोक दोगे। तुम्हें कभी खुद पर शक ना हो कि ये तुमने किया है, और तुम ये भूल जाओ कि इसकी असली वजह तुम ही हो। बस इसीलिए किया। तुम्हें तुम्हारी प्रीवियस मेमोरी याद ना आए इसलिए हमने ये सब किया, पर मैं तुम्हें इस तरह मिल जाऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था। तुमने अपने पापा को मारकर गलती की थी, दोबारा इमोशन में मुझे मारकर तुम दूसरी गलती ना करो इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, अपनी गलती मानकर तुम खुद को कानून के हवाले कर रहे हो ना, मुझे तुम पे गर्व है। माँ का ख्याल रखिएगा, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें छुपके नहीं रहना चाहिए था। बहन जी आप अपने घर में जाइए, मैं इसे देखता हूँ। ठीक है सर। चलो बेटा।